हेलो, कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप अपनी पढ़ाई में जो है जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज से जो है हम लोगों की केमिस्ट्री की क्लास जो है शुरू हो रही है, और केमिस्ट्री के पहले क्लास में ही जो है आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बेसिक जानकारी, यानी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के कितने भाग हैं, कौन से भाग में कितने चैप्टर हैं, इन सब के बारे में बउआ के तरह जो है आज आप इस क्लास में जान जाएंगे, है कि नहीं? चलिए सर, जानते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री वो इंग्लिश शब्द है और उसका हिंदी क्या होता है? रसायन विज्ञान, अच्छा है, रसायन शास्त्र होता है। अगर आपसे पूछ देवे कि केमिस्ट्री के जो है उत्पत्ति कहाँ, कौन से शब्द से हुआ है, तो कीमिया शब्द से हुआ है, जो एगो लैटिन शब्द है जिसका क्या मतलब होता है, तो कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी होता है, मालूम है? वहीं से कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री बना हुआ है। केमिस्ट्री का हिंदी रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र भी कहते हैं लोग, है कि नहीं? अब जो है आपसे जो है कोई पूछ देवे कि ठीक है बुआ, इतना जानता है, तनी केमिस्ट्री के परिभाषा बता दो, तो केमिस्ट्री के परिभाषा, चाहे रसायन विज्ञान के परिभाषा, चाहे रसायन शास्त्र के पूछे, तो एक होता है। अब कहेंगे का होता है सर बताइए, तो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थों के गुण, संरचना और बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं, का कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। अब आपके मन में प्रश्न कि सर ये पदार्थ का होता है, पदार्थ के गुण, संरचना, बनावट के बारे में अध्ययन करेंगे तो ठीक है वो केमिस्ट्री कहलाएगा, लेकिन पदार्थ का होता है? आइए सर हम आपको पदार्थ भी बताते हैं। दुनिया का कोई भी वैसा चीज जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका कुछ आयतन हो, वो का कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे ये जो है हमारे हाथ में पेन है, अब एकर जो है कहीं पे रखिएगा तो कुछ स्थान घेरेगा, हाथ पे रख रहे हैं कुछ स्थान घेरा, ठीक है। तराजू पे रखेंगे कुछ वजन होगा, आ इसको अगर नापेंगे तो इसका कुछ आयतन भी निकल के आएगा, इसका पदार्थ है? कहेंगे सर बिल्कुल। तो इसी के बारे में कि इसका गुण क्या है, इसका बनावट यानी ये बना कैसे है, आ इसकी संरचना यानी कि जो बन के तैयार हुआ है ये कौन सी संरचना है, इसी के बारे में अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। बात समझ में आया? अब जो है हम आपसे पूछते हैं, आप जिस फोन में इस वीडियो को देख रहे हैं, का वो पदार्थ है कि नहीं है? आप कहेंगे सर कैसे पदार्थ है, अरे आइए समझाते हैं। आप जो है अपन मोबाइल को कहीं पर रखे हुए हैं तो कुछ स्थान घेरा हुआ है कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल सर। दूसर का तराजू पे मोबाइल ले जाके रखेंगे, कुछ वजन भी बताएगा? कहेंगे सर बिल्कुल बताएगा। आ ये मोबाइल को जो है आप चरखुट्टा जब नापिए फीता से तो कुछ आयतन भी निकल के आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल के आएगा, तो भाई पदार्थ है, ये तो तीन गो शर्त है कि नहीं? और कहेंगे सर पदार्थ के बारे में तो हम लइका में पढ़े थे कि तीन गो होता है, बिल्कुल होता है तीन गो सर, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है कि नहीं? ये सब के बारे में पहले चैप्टर में पढ़े ला है, चैप्टर वे के नाम है का, तो पदार्थ की ठोस अवस्था जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, कहीं कहीं जो है सिर्फ सॉलिड स्टेट ही लिखल रहता है। बात समझ गए? अरे आपको बउआ के तरह केमिस्ट्री समझावे के जो है गारंटी मेरी है कि नहीं? चलिए रसायन विज्ञान जान गए ना कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों के गुण, बनावट और संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है सर? बिल्कुल सर। अब देखिए रसायन विज्ञान को जो है आप 9th या 10th में पढ़ के आ रहे हैं, तो रसायन विज्ञान एक के में था, चाहे रसायन विज्ञान जो है एगो किताब था और उसको पढ़ जाना था, खेला खत्म हो गया, 9-10 गो चैप्टर था। लेकिन रसायन विज्ञान के किताब जब आप 11th 12th में देखें तो तीन गो भाग में बांटल है कि नहीं? पहला को फिजिकल केमिस्ट्री जिसे हिंदी में भौतिक रसायन कहा गया है, दूसरा भाग जो है अकार्बनिक रसायन जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया है, और तीसरा कार्बनिक रसायन जिसे आप क्या कहते हैं, तो इसे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये सब बउआ के तरह जो है बातें हम आपको बताए भी हैं पहले भी। चलिए अब आपके मन में प्रश्न कि सर भौतिक रसायन किसे कहते हैं, तो देखिए भौतिक मतलब होता है प्राकृतिक रूप से,
ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो रसायन विज्ञान में प्राकृतिक रूप से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है उसी के बारे में जब हमने के अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है भौतिक रसायन। बउआ की तरह याद रखिएगा, ये परिभाषा कोनो किताब में जो है नहीं लिखल है, ठीक है। भौतिक रसायन यानी कि भगवान के देवल, भौ से भौतिक और भौ से भगवान, भगवान के देवल जितना भी पदार्थ है उस सब के बारे में जब हमने के अध्ययन करेंगे तो वो सब भौतिक रसायन, जैसे पानी, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब भौतिक रसायन के अंतर्गत ही आएगा। पानी हम लोग थोड़े बनाए हैं, भगवान दे रहे हैं, दे दिए हैं पहला ही, जन्म से पहला ही है कि नहीं। तो ये सब भौतिक रसायन, भौतिक रसायन यानी भौतिक रूप से प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं, तो रसायन विज्ञान में इसके जो है अध्ययन को कहते हैं भौतिक रसायन, ठीक है सर। ये सब परिभाषा किताब में आपको नहीं मिलेगा। अब जो है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन कहे के मतलब कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कार्बन के छोड़ के बाकी सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो आप कहेंगे सर कौन कौन चीज़, जैसे कि धातु, अधातु, लवण हो गया, क्षार हो गया, अम्ल हो गया, इस सब का जब अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा अकार्बनिक रसायन। बातें समझ में आई? देखिए भगवान के देवल के बारे में जो रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे वो भौतिक रसायन, लेकिन जो अम्ल, क्षार, धातु, अधातु, लवण ये सब के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो अकार्बनिक रसायन। जैसे नमक के बारे में आप पढ़ेंगे तो कौन सा रसायन होगा? अकार्बनिक रसायन है कि नहीं, लवण है ना भाई। अब जो है आपसे कह दो अचार के बारे में पढ़ेंगे तो अचार कौन सा, ये में आएगा अकार्बनिक रसायन, अचार है कि नहीं। तो ये सब जो है हमने के बउआ के तरह पढ़ेंगे भी। अब कार्बनिक रसायन, देखिए कार्बनिक रसायन का होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को जो है एक साथ रख के पढ़ते हैं तो उसे ही जो है कार्बनिक रसायन कहलाता है। देखिए जैसे कहीं भी देखिएगा तो कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन जरूर रहेगा, तो ये दोनों जो है साथे रहेगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं ना सर, तो वो कहलाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग एकदम बउआ के तरह एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ गए? वेरी गुड। जो भी हम परिभाषा बता रहे हैं वो कोनो किताब में नहीं लिखल है, यो बात याद रखिएगा। कार्बनिक रसायन तो कार्बन और हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन को ही जो है कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है सर। तो ये हो गया भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अब देखिए भौतिक रसायन में जो है भाई पांच गो चैप्टर पढ़ेला है, पदार्थ की ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, और बिलियन यानी कि सॉल्यूशन इसे इंग्लिश में कहा जाता है, वैद्युत रसायन जिसे जो है आप केमिकल जो है काची तो केमिकल रसायन भी जो है आप कहते हैं केमिकल केमिस्ट्री, या जो है का आप इसे कहते हैं तो वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से भी जो है इसे जानते हैं आप। उसके बाद जो है रासायनिक बल गतिकी, तो रासायनिक बल गतिकी के बारे में भी आप जानते हैं, केमिकल काइनेटिक इसे इंग्लिश में कहा जाता है। पृष्ठीय रसायन कहें तो सरफेस केमिस्ट्री, इसके बारे में भी आपको जो है पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ये पांच चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं, और ये पांचों चैप्टर जो है हम बउआ के तरफ पढ़ाएंगे। ज़्यादातर जो टीचर हैं क्या करते हैं तो पहले जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आई भाई आसान पड़ जाता है तनी मनी, आई तनी भारी पड़ता है, लैंग्वेज वाला होता है, याद करे वाला होता है, तो टीचर जो है ई नहीं पढ़ा के ई पढ़ाते हैं। लेकिन हम तनी उल्टा हैं, हम सबसे पहले भारी वाले को ही पढ़ाएंगे, यानी चैप्टर नंबर वन से ही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको पढ़ावेला शुरू करेंगे, फिर जो है अकार्बनिक रसायन पढ़ाएंगे, और ई कार्बनिक जो आसान वाला चीज़ है ये लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो है पदार्थ की ठोस अवस्था पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, 10 दिन के 15 दिन के चैप्टर है, सब 10-10 दिन के जो है चैप्टर है, ठीक है सर। इसमें भी जो है 5-6 को चैप्टर है, बउआ की तरह हम लोग पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन में जैसे कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। बात समझ गए? तो अब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर केमिस्ट्री जो है भारी लग रहा है, ऐसे केमिस्ट्री भारी है नहीं, ठीक है। तो केमिस्ट्री अगर आपको भारी लग रहा है तो आप जो है ना
आप हमारे SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से, और यहाँ से साइंस के जो है बैच को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप कहीं ऑफलाइन में पढ़िए साइंस, ठीक है, ऑफलाइन में एक साल में कितना आदमी लेता है, तो खाली केमिस्ट्री के जो है हम खुदे ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो 7,000 रुपया फीस है केमिस्ट्री के, खाली केमिस्ट्री के। अगर आप पांचों सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 35,000 रुपया हो गया। लेकिन आप अनुमान लगाइए कि ऑनलाइन में हम आपको कितना में पढ़ा रहे हैं साल भर। ऑफलाइन में 35,000 एगो लड़का हमको देता है, लेकिन ऑनलाइन में आप जो है कितना जो है आप हमको देना पसंद करेंगे। आप कहेंगे सर 2,000, 2,500, नहीं उतनो नहीं देवेला है। SGS क्लासेस आप डाउनलोड करिए, केमिस्ट्री के जो है बैच जो है साल भर के लिए 999 रुपया, और साइंस में जो है बायोलॉजी आप पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, उसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद मैथ पढ़िए, हिंदी इंग्लिश तो जो है अपने चीज है कि नहीं, हिंदी इंग्लिश और हिंदी जो है ये सब बउआ वाला चीज़ हम पढ़ाइबे करते हैं, तो इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, और उसके बाद जो है केमिस्ट्री, ये तीन गो हम पढ़ाएंगे, और मैथ फिजिक्स बायो जो है तीन गो दूसरे सर पढ़ाएंगे, वो भी जो है मस्त पढ़ाते हैं, तो आपको जो है बैच आपको जो है ले लेना चाहिए, ठीक है सर। हमने के क्लासेस जो है रेगुलर होगी, या तो रिकॉर्डेड होके या तो जो है लाइव होके, लेकिन रेगुलर होगी। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आता है कि सर लाइव आके पढ़ाएंगे तो मज़ा ही कुछ और रहेगा, रिकॉर्डेड रहता है तो तनी मनी मन नहीं लगता है। देखिए, तो आपको एगो विद्यार्थी की तरह ही हम बता रहे हैं, हम जो है खुदे जो है किन्हीं से पढ़ते हैं, कुछ के तैयारी हम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो उनका जो है हम बैच लिए हैं, लेकिन लाइव क्लास हम नहीं करते हैं। काहे नहीं करते हैं, तो एक जो चीज़ हम 15 मिनट में पढ़ सकते हैं तो सर जो है एक घंटा बात कर करके जो है 1-2 घंटा के क्लास कर देते हैं, इसीलिए लाइव जो है हमको पसंद नहीं है। वही वीडियो जो है हम बाद में जो है दुगुना स्पीड करके 10-15 मिनट में देख लेते हैं, तो वही इसीलिए हम कहते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो हम आपके लिए दे देते हैं, जो आप 10 मिनट के क्लास 10 मिनट में कीजिए, काहेला बातचीत करके जो है 2 घंटा उसको फैलाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए जो है रिकॉर्डेड क्लास हम ज़्यादा लेकर के जो है प्रेफर करते हैं, जिससे समय बचता है। समय बचेगा तो हम लोग जो है राइटिंग लिखेंगे, चाहे जो है उसको याद करेंगे, है कि नहीं, नोट्स बनाएंगे, ये सब जो है बेटर काम करेंगे। अब जो है आपके मन में प्रश्न है कि सर खाली पढ़ा ही ला 999 ले रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है भाई, पढ़ा ही ला नहीं, आपको जो है ना इसमें PDF नोट्स मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिलता है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। केमिस्ट्री के जो है हमारा हैंड रिटेन नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है, सबके जो है मजा वाला बात है। तो आप इंटरेस्टेड हैं जुड़ सकते हैं, नहीं इंटरेस्टेड हैं मत जुड़िएगा, कौन बड़का बात जो है कि नहीं, आपको जहां अच्छा लगे वहां पढ़िए। बाकी आप समझदार हैं, केमिस्ट्री के बारे में इतना आप जान गए, और केमिस्ट्री कल से जो है हमने के चैप्टर शुरू करेंगे, और बउआ के तरह जो है ना हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो आप देखे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।